नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वर्ष सोयाबीन की बोनी विभिन्न तिथियों में की गई है। कुछ जगह पे जून महीने में बोनी हुई है या कुछ जगह पे जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह तक सोयाबीन की बोनी होती रही है, और इसी को देखते हुए इस समय पे हमारी जो सोयाबीन की फसल है विभिन्न क्षेत्रों में कुछ जगह पे फूल आने की अवस्था में है तो कुछ जगह पे फलियों में दाने भरने की स्थिति है। और इस समय पे जो स्थिति हमें देखने को मिलती है उसमें ये पता चलता है कि फसल पे कुछ कीड़ों का प्रकोप है और एक दो बीमारियों का स्थिति बनी हुई है। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे सोयाबीन की बोनी जुलाई महीने में की गई थी और इस समय पे सोयाबीन की फसल फूल आने की अवस्था में है, तो ऐसे फसल पे चक्रभृंग का प्रकोप देखा जा रहा है। और उसको नियंत्रित करने के लिए जो रसायनों की सूची है उस समय पे आपके स्क्रीन पे दी जा रही, इनमें से कोई भी एक ले और इसके आपको खेत में छिड़काव कर ले। इसके साथ साथ जो ग्रसित पौधे का भाग है उसको अपने खेत से निष्कासित कर दे। साथियों, कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल फूल आने की अवस्था में है और हमें आपको आगाह करना है कि अपने खेत की नियमित रूप से निगरानी करते रहें, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट मिली है कि कुछ जो इल्लियाँ हैं, विशेष रूप से सेमिलू पर इल्ली और तंबाकू की इल्ली, हमारी सोयाबीन की फसल पे फूलों को खा के सोयाबीन की फसल में नुकसान पहुंचाती है। और इसके तुरंत नियंत्रण करने के लिए आपको जो अनुशंसित दवाइयाँ हैं जो कि पत्ती खाने वाली इल्लियों के नियंत्रण के लिए कई प्रकार की सूची यहाँ पर दी जा रही है, तो उसमें से कोई भी एक आप ले और अपनी फसल पे तुरंत छिड़काव कर ले। यदि आपकी फसल फूल आने की अवस्था में तब भी कर सकते हैं या बाद में की अवस्था में भी यदि आपके खेत में पत्ती खाने वाली इल्लियों का प्रकोप हो तो इनमें से कोई भी एक दवा लेके आप छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सोयाबीन की फसल दाने भरने की अवस्था में है तो ऐसी स्थिति में सेमी लूपर या चने की इल्ली द्वारा फलियों में दाने खाने की संभावनाएं बनती है। और इस समस्या से निपटने के लिए अभी इस समय पे जो आपको दवाई के नाम दिखाई दे रहे हैं उनमें से किसी एक को लेके अपने फसल पे तुरंत छिड़काव करने की सलाह है। इसके साथ साथ साथियों, पिछले सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी सोयाबीन की फसल में दो प्रमुख रूप से फफूंदजनित रोग यानी कि राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट और एंथ्रेक्नोज इसका प्रकोप बना हुआ है, और इसको नियंत्रण किए जाने के लिए अनुशंसित फफूंदनाशकों की सूची इस समय पे आपको स्क्रीन पे दी जा रही है, उसकी मात्रा भी दिखाई दे रही है। आपको सलाह है कि इनमें से कोई भी एक ले और अपनी फसल पे तुरंत छिड़काव कर ले। आप इस चीज़ को भी नोट कर ले कि इस समय पे आप यदि करते हैं तो आपकी फसल में जो सोयाबीन के दानों पर चमक भी आएगी, सोयाबीन की बीज में गुणवत्ता में भी वृद्धि हो जाएगी। इसके साथ साथ पिछले सप्ताह की तरह कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल पे पीली मोजाइक रोग का प्रकोप बना हुआ है और सफ़ेद मक्खी इसको फैलाती है। आपको यह करना है कि इसको सफ़ेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए जो कॉम्बिनेशन दवाइयां है कोई भी एक लेके आपको इसका छिड़काव करना पड़ेगा। और ध्यान रखें कि अगर ऐसे करते हैं तो इसके साथ साथ तना मक्खी का भी नियंत्रण किया जा सकता है। साथियों, इस समय पर आप अपने स्क्रीन पे भारत का मानचित्र देख रहे हैं और इसके माध्यम से आप जानेंगे कि तंबाकू की इल्ली और चने की इल्ली दोनों कीड़ों के लिए अगले सप्ताह में कौन कौन से जिलों में इनका प्रकोप होने की संभावना है। तो आप देखेंगे कर्नाटक का चिकमंगलूर क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का इंदौर जिला, महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला, राजस्थान का उदयपुर जिला और उत्तराखंड का देहरादून जिला टिहरी गढ़वाल, इन क्षेत्रों में अगले सप्ताह में तंबाकू की इल्ली का प्रकोप होने की संभावना है। जहाँ तक बात है चने की इल्ली की तो मध्य प्रदेश के भोपाल, धार, गुना और रतलाम जिले में अगले सप्ताह में चने की इल्ली का प्रकोप बने रहने की संभावना है। साथियों, इसके साथ साथ अब बात करेंगे फसल सुरक्षा के अन्य उपाय। आपको सलाह है कि कुछ इल्लियाँ जो झुंड में रहती है उसको आप निकाल के तुरंत निष्कासित कर लें। अपने खेत में जगह जगह पे टी आकार के स्ट्रक्चर बनाएं जिससे कि पक्षियों के बैठने की व्यवस्था हो जाए। उन्हीं रसायन का प्रयोग करें जो कि सोयाबीन की फसल के लिए अनुशंसित किए गए हो, यानी जो रसायन अनुशंसित नहीं है उनका प्रयोग कदापि नहीं करें। और जब आप इनका छिड़काव करते हैं तो पानी की अनुशंसित मात्रा यानी कि 450 लीटर प्रति हेक्टर
नैपसैक स्प्रेयर से और 120 लीटर प्रति हेक्टर पावर स्प्रेयर से उपयोग करें, और किसी भी प्रकार का आदान, चाहे वो रसायन हो या उर्वरक हो, खाद हो, उसका जब आप क्रय करते हैं तो उसका बिल अवश्य लें, और ये भी देखें कि जो रसायन है वो एक्सपायरी तिथि के अंदर का हो। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।